Hello everyone, welcome to GK Today. This is Arzu Kakkar. Let us have a look over today's important current affairs. But before starting, let me tell you, for all those who are searching for English version of this video, they can get it on GK Today's new channel, that is GK Today 2.0. The link is given in the description box. तो शुरू करती हूँ ये सेशन को, लेकिन शुरू करने से पहले ये बता दें कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पार्ट हैं जीके टुडे की डेली 20 एमसीक्यू सीरीज़ के, जो कि आपको जीके टुडे की एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर मिल जाएंगे. और साथ ही साथ आपको वहाँ पर मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस एवरी मंथ मिलते हैं. कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं, तो आप जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप को रेफ़र कर सकते हो. पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं. एक रिपोर्ट दिख रही है मुझे, तो आपको भी यही दिख रही होगी, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट. तो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के हिसाब से वो कौन सी कंट्री है दैट वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय इनकम लॉसेस फ्रॉम द हीट रिलेटेड लेबर कैपेसिटी रिडक्शन. तो ये आंसर आप सोचिए. इससे पहले मैं बता देती हूँ, बाहर थोड़ा जो शोर हो रहा है, ऑब्वियसली वो दिवाली का जोश है, तो इसी चक्कर में जो क्रैकर्स, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको. आप सिर्फ अब अपने काम पे और पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है. अगर आवाज़ नहीं आ रही तो वेल एंड गुड, चलिए. बट एज पर द क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के हिसाब से जो कंट्री वॉज मोस्ट इफेक्टेड बाई द इनकम लॉसेज वो कंट्री कौन सी है? इंडिया, फ्रॉम द हीट बेसिकली. तो इंडिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी. मैं इस रिपोर्ट के बारे में अगर बताऊँ तो ये रिपोर्ट बेसिकली क्या करती है, ये हाईलाइट करती है क्लाइमेट एमरजेंसी और एनर्जी क्राइसिस. तो क्लाइमेट एमरजेंसी और एनर्जी क्राइसिस के बीच में बेसिकली इट हाईलाइट्स द लिंक बिटवीन द टू. और साथ ही साथ ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो कि एनुअली रिव्यू करती है क्या दी ऑफ द क्लाइमेट एनालिसिस ऑफ द G20 कंट्रीज, ठीक है. तो G20 कंट्रीज क्लाइमेट एक्शन उनका क्या रहा है, जो वो ट्रांजिशन कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेट जीरो एमिशन इकोनॉमी, तो उसके बारे में एक प्रॉपर रिव्यू करती है ये रिपोर्ट. और इसका थीम जो रहा है 2022 का, वो भी याद में रख लो. इस रिपोर्ट का थीम है G20 रिस्पॉन्स टू दी एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, क्रिटिकल फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस. ये रिपोर्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन प्रिपेयर करता है, तो ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम 16 ऑर्गेनाइजेशंस एंड बेसिकली फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द G20 कंट्रीज, ठीक है. तो 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑफ द G20 कंट्रीज, वो मिलके ये रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं. अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करूँ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टेम्परेचर बढ़ने से, सबको पता है टेम्परेचर जो है कितना बड़ा है, तो उस टेम्परेचर के बढ़ने से, मैं अगर टेम्परेचर बढ़ने की बात करूँ, तो 2017 से 2021 तक के बीच में एवरेज समर टेम्परेचर जो रहा है दैट इज़ एक्सपीरियंस बाय द पीपल इंडिया के अंदर, वो भी दैट वॉज 0.4 डिग्री सेल्सियस हायर रहा है देन द 1986 टू 2005 ग्लोबल मीन टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 0.3 डिग्री सेल्सियस. मतलब उससे भी ज़्यादा रहा है इस बार. और इसके चलते इनकम लॉसेज हुए हैं, इंडिया हैव सफर्ड एन इनकम लॉस ऑफ कितना पूछा जा सकता है, दैट इज़ $159 बिलियन का इनकम लॉस, 5.4% ऑफ द GDP. किस में? सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है. ये है इंडिया की बात. अगर इंडोनेशिया की बात करूँ तो 1.6% ऑफ GDP. सऊदी अरेबिया की बात करूँ तो 1% ऑफ द GDP. इंडिया का 5.4%. अगर वैसे टोटल बात करी जाए तो इनकम लॉस ऑफ $159 बिलियन. ये जो नंबर है ना, $159 बिलियन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. थीम भी मैंने आपको बता दी है, सारी चीज़ें ध्यान में रखना. अगला क्वेश्चन चलते हैं. विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. तो देख रहे हो कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें एक मिनिस्ट्री भी मैंशन है. किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. अब क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं सिर्फ इसी तरीके से पूछा जाएगा. तो अगर कल को पूछ लिया जाए कि हेड्स ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस को किस, ये जो कॉन्फ्रेंस है इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री, तो वो भी आपको याद रखना है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. तो पहली बात तो ये. अब चलते हैं आपके दूसरी बात पे. कौन सी सिटी है दैट इज़ द होस्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, वो सिटी का नाम क्या है? केवड़िया, ऑप्शन सी. कहाँ पर? गुजरात के अंदर, ठीक है.
तो ये बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस है इट वाज इन गुजरात एट केवड़िया ऑर्गेनाइज 10th, हाँ ये भी ध्यान में रखना 10th। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बेसिकली इट ब्रिंग्स टुगेदर 118 हेड्स ऑफ द इंडियन मिशंस, हाई कमिश्नर्स हो गए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो ये 3 डे की कॉन्फ्रेंस रही है, इसका पर्पज़ क्या रहा है? प्रॉपर डिटेल डिस्कशंस करना, किसके ऊपर? जियोपॉलिटिक्स, राइट, ये है टॉपिक। जियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये टॉपिक है। कनेक्टिविटी एक टॉपिक है। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज, ये इन सब पे डिस्कशन होना, ये बेसिकली एजेंडा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने ऑल्सो लॉन्च मिशन लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल। ठीक है, तो काफ़ी और चीज़ें भी यहाँ पर इनॉग्रेट करी मैं मिशन लाइफ के बारे में, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट के बारे में। इन डिटेल एक क्वेश्चन लेंगे और इसको अच्छे से कवर करेंगे। अभी के लिए ये चीज़ें जो है वो आपको याद में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, दैट इज HTT-40, राइट। HTT-40 जो है, इस एयरक्राफ्ट के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया है दिस इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40, विच वॉज रिसेंटली अनवील्ड। डिफेंस एक्सपो के बारे में हमने बात भी करी थी, अगर आपको याद हो तो वहीं पर ही। ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप ये एयरक्राफ्ट देख सकते हो जिसको अनवील किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। डिज़ाइन डेवलप किसने किया है? HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लॉन्च किया गया इसको। कहाँ पर? 12th डिफेंस एक्सपो, जो कि गांधीनगर में है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, 2 बार बात कर चुकी हूँ, किसी ना किसी तरीके से ये न्यूज़ में आ रहा है। ठीक है, बेसिकली ये जो HTT-40 इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इट कंप्राइजेज ऑफ ओवर 60% इन हाउस पार्ट्स। कोलैबोरेशन हुई है ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो ये बेसिकली आत्मनिर्भर भारत का ही एक सिंबल नहीं है, एजेंडा ये भी है। आने वाले टाइम में इसके अंदर पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का भी, ऑब्वियसली इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, इसको डेवलप किया गया है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAF, जो भी IAF की रिक्वायरमेंट्स रही हैं उस हिसाब से। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपसे इसकी मैक्सिमम स्पीड पूछ ली जाए तो वो है 450 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम डिस्टेंस वो है 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बात ये है कि इसको अभी यूज़ किया जाएगा फॉर दी बाय दी IAF, किसके लिए? फॉर द ट्रेनिंग्स ऑफ न्यू पायलट्स, ताकि बिफोर दे आर अलाउड टू यूज़ दी एडवांस्ड वर्जन्स, तो पहले दिस HTT-40 विल बी यूज फॉर देयर ट्रेनिंग। ठीक है, इसलिए ये HTT-40 जो इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इसके बारे में याद में रख लेना, पिक्चर देख लेना, डन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन एक प्राइस है, द यूरोपियन पार्लियामेंट एनुअल साकरोव प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड टू द पीपल ऑफ विच कंट्री, ये प्राइस किसको अवार्ड किया गया है? सो ये एक एनुअल प्राइस है, साकरोव प्राइस, इट इज़ अवार्डेड टू द पीपल ऑफ यूक्रेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते जो यूक्रेन के लोगों ने आप बोल सकते हो जो उन्होंने फाइट किया है अगेंस्ट द रशियंस इन्वेजन, तो उसको उसके ऑनर में ये प्राइज दिया जा रहा है फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट टू द पीपल ऑफ यूक्रेन। इस अवार्ड के अंदर प्राइज मनी दिया जाता है ऑफ 50,000 यूरोज, तो वो आपको ध्यान में रखना है। विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूक्रेनियन सिविल सोसाइटी। तो इसको ये अवार्ड दिया जा रहा है सिंस 1988 इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि फंडामेंटल फ्रीडम्स पे काम करते हैं, उनको डिफेंड किया जाता है, डिफेंडिंग ह्यूमन राइट्स, तो उसके लिए ये प्राइज जो है वो दिया जाता है। और इस साल किसको दिया गया है? टू द पीपल ऑफ यूक्रेन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been elected as the first known Gandhi president of the Indian National Congress INC party in 24 years. 24 साल बाद, पहले क्या था 1998 से लेकर अभी तक आप सबने देखा ही है, उससे पहले भी आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी रही है उसमें कौन कौन प्रेसिडेंट रहे, तो वो सब हमने देखा है। 1998 के बाद अब ये होने वाला है, आफ्टर 24 इयर्स हुआ है कि एक नॉन गांधी प्रेसिडेंट जो बने हैं, राइट, राहुल गांधी नहीं, नॉन गांधी प्रेसिडेंट है। तो कौन है वो? तो उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट
24 सालों बाद एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि एक नॉन गांधी पर्सनालिटी है, उन्होंने, ये उनकी तस्वीर है आप देख सकते हो, इन्होंने डिफीट किया है जो उनके कैंडिडेट थे शशि थरूर। देखो ऐसा नहीं है कि अभी कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शंस चल रहे हों, ये पार्टी के बीच में ही जो हुए हैं फॉर द पार्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने डिफीट किया है शशि थरूर को बाय सिक्योरिंग सम वोट्स आउट, सिक्योरिंग आपके कितने वोट्स, 7897 वोट्स, ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ नाम जान लीजिए और कल को एक बेसिक मतलब ये ऐसा है कि अब न्यूज़ पढ़ रहे हो तो अगर कोई जीता है तो सामने वाला दूसरे में कौन था पार्टी, मतलब दूसरा मेंबर कौन था जिसके अगेंस्ट आपने विजय हासिल करी, तो वो किसने, आपने किसको डिफीट किया, राइट। तो कैंडिडेट कौन थे, शशि थरूर थे दूसरी साइड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, बताइए क्या लगता है, विच यूनियन मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है ये ड्राफ्ट जिसका नाम है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। मतलब नाम से तो ऐसा लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, लेकिन वो आंसर नहीं है। आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है, इट इज़ दिस ड्राफ्ट इज़ लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, जिसके अंदर एजेंडा क्या है, बेसिकली देखो जैसे क्रेडिट मैकेनिज्म्स होता था जो कि मतलब जिस, ये क्रेडिट सिस्टम जो है ये फॉलो किया जाता है जब हम ओपन स्कूलिंग की बात करते हैं, लेकिन रेगुलर स्कूल एजुकेशन में कंट्री के अंदर ऐसे क्रेडिट सिस्टम नहीं होता है जहां पर आपकी लर्निंग्स पे आपको क्रेडिट दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात करी गई है इसको इंटीग्रेट करने की, और जितने भी हायर एजुकेशनल, वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन है उसको एक फ्रेमवर्क के अंदर लाते हुए क्रेडिट सिस्टम जो है वो स्कूल एजुकेशन में भी लिया जाए। मतलब जब बच्चे लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर उनको क्लासरूम लर्निंग्स में दे विल एबल टू अर्न द क्रेडिट्स, तो वो जो क्रेडिट है वो आप उसको बेसिकली क्या करोगे, फिर स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक अकाउंट, बैंक क्रेडिट, ABC अकाउंट जो है वो खुलेगा, तो वो क्रेडिट वहां पर डिपॉजिट होंगे। तो नी पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि जैसे ड्रॉपआउट्स बहुत होते हैं, तो जब ड्रॉपआउट्स होते हैं तो अब क्या है, इस क्रेडिट के चलते तो आपके पास वो क्रेडिट्स हैं, अब क्रेडिट आपके बैंक में है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली कहो आप कभी भी आगे पढ़ना चाहो तो आप चाहे, ये जरूरी नहीं है ये सिर्फ कॉलेज की बात हो, ये स्कूल टू PhD की बात चल रही है अब इस ड्राफ्ट के अंदर, कि आपने ड्रॉप आउट किया, कोई इमरजेंसी हुई, कुछ भी हुआ, तो जहां पर भी आपने छोड़ा, आप अपने उन क्रेडिट से जहां तक भी आपने पढ़ा, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये इसका एजेंडा है, एनी टाइम एनी वेयर लर्निंग जो है, फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करना बच्चों को, ठीक है, हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात करना, मल्टीपल एंट्रीज होंगी, एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन जो है वो इंश्योर किया जाएगा ताकि बच्चे जो हैं वो री एंटर कर सकें इस एजुकेशन इकोसिस्टम के अंदर बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट्स। तो यहाँ पर क्रेडिट्स देने की बात करी जा रही है, ठीक है, स्कूल स्टूडेंट्स को भी। तो ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु टॉप द एडेलगिव ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोफी लिस्ट 2022, तो किसने टॉप किया है? अगर आपको लग रहा है शिव नादर, ऑप्शन बी, तो आप बिल्कुल सही हो। HCL टेक्नोलॉजीज का नाम सुना होगा ना, बस वही है शिव नादर। तो इन्होंने टॉप किया है दिस इन दिस फिलैंथ्रोफी लिस्ट 2022, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये हैं द फेमस द पर्सनालिटी द HCL फाउंडर, जिन्होंने जो इस बार 2022 में टॉप करा है, मोस्ट जेनरस पर्सन इन द कंट्री, जिन जो कि विद एन एनुअल डोनेशन ऑफ 1,161 करोड़, तो बेसिकली मोस्ट जेनरस टाइटल इन्हें मिला है, जहाँ पर बात करी जाती है कि द पर्सनालिटी डोनेट्स 3 करोड़ पर डे, ये डोनेट करते हैं, ये डोनेशन में जाता है। पहले क्या था, मतलब अब क्या है, इस 2022 के हिसाब से, लिस्ट के हिसाब से सेकंड नंबर पर कौन है, विप्रो के अजीम प्रेम जी, वो सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं, जो कि एनुअल कितनी डोनेशन करते हैं, 484 करोड़ की, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया के रिचेस्ट मैन है, आप पूछोगे गौतम अडानी, वो कितनी, वो कौन से नंबर पे हैं, वो है 7th नंबर पे, कितनी डोनेशन होती है उनकी, 190 करोड़ की डोनेशन करते हैं वो, ठीक है। ये जो पर्सनालिटी है HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर, ये टॉप किया है इन्होंने लिस्ट के अंदर, मोस्ट जेनरस पर्सन, 77 ईयर ओल्ड बिजनेस मैन है, जो कि दिन हर दिन का, मतलब एवरी डे 3 करोड़ पर डे डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ये है बात। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्या है, न्यू रिवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, हु हैज़ बिन नेम्ड एज द न्यू रिवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ अक्टूबर 2022,
तो उनका नाम है संजय मल्होत्रा। हाँ जी, ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। संजय मल्होत्रा हैं जिनको कि बेसिकली नेम किया गया है एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। ये उनकी तस्वीर है, आप देख सकते हो। ये कौन है? योर सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, संजय मल्होत्रा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक, इनमें से वो कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने पार्टनर किया है विद रिजर्व बैंक इनोवेशन हब फॉर इनोवेशंस इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो वो बैंक जिसने पार्टनर किया है RBIH के साथ फॉर इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मैं इसकी बात करूंगी RBIH की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो पहले पेमेंट बैंक का नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है, और न्यूज़ में भी तो है, तो ये RBIH क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो ये हब जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक सस्टेनेबल मैनर के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है, ये टर्म बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कोई कोई भी एकदम से टेक्नोलॉजी लेके आए, नई सी टेक्नोलॉजी लाके खड़ी कर दी, नहीं। एक सस्टेनेबल मैनर के अंदर फाइनेंशियल इनोवेशन करना, राइट? आप समझ रहे हो, उसको नर्चर करना, उसको एनकरेज करना फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंशियल इनोवेशन, ये है एजेंडा एक सस्टेनेबल मैनर के अंदर, जिसका अंडरलाइंग थीम क्या है? अंडरलाइंग थीम है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसकी हम बात भी करते हैं। तो RBI सेट की एम ये है, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना जो कि फोकस करता है फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करी जाएं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएं, एक्सेस कर पाएं कौन? लो इनकम पॉपुलेशन इन द कंट्री, वो सब भी। तो ये एजेंडा है RBIH का, ठीक है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन इज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, क्या लगता है क्या होगा इसका सही आंसर? वो है अक्टूबर 20। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हर साल 20th of October को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। मतलब जब आपकी हड्डियां, जैसे आप बोलो कि थोड़ा गलने लगती हैं, मतलब इट इज़ नॉट अ राइट टर्म, पर मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। जब आप एज बढ़ती चली जाती है तो भी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, फ्रैक्चर होते हैं, फ्रैक्चर इफेक्ट्स करता है। मतलब हम लोग इसको आम तरीके से लेते हैं, लेकिन बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है जहाँ पर लोगों का अवेयरनेस, अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी नहीं लेते हो, धूप, सूरज की रोशनी है ना, उसमें बैठना कितना ज़रूरी है, लेकिन हम नहीं बैठते हैं, हम लेते नहीं हैं, ठीक है? तो द डे इज़ ऑब्जर्व विद द एम ऑफ रेजिंग ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। थीम जो रही है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 2022 इज स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। तो ये है थीम। अब चलते हैं आपकी जो रिवीजन कैटेगरी है उसके ऊपर, और जो कॉन्फ्रेंस हुई है, कॉन्फ्रेंस, जो भी कॉन्फ्रेंस हुई है न्यूज़ में, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट रही हैं, उनको कवर करेंगे और देखते हैं कि क्या है सही आंसर। पहला क्वेश्चन है, इनमें से ना एक ऐसा हो गया है कि वो मुंह पर रहता है हमेशा, लेकिन चलो अब चलते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर विदाउट एनी ऑप्शन। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन? तो कौन सी सिटी होस्ट है ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू फॉर इंफॉर्मेशन? वो है तेशकांत, ठीक है? यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस? मेक्सिको। अगला है कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड इंटरेक्शन इन एशिया, किसने होस्ट करा, कौन सी कंट्री ने? कजाकिस्तान। ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस कौन सी इंडियन सिटी है होस्ट करने वाली? मुंबई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इस कॉन्फ्रेंस का वेन्यू क्या है, विच इज द वेन्यू? धर्मशाला, ठीक है, याद में रखना, ऐसे डायरेक्ट सवाल आते हैं। आंगन 2022 कॉन्फ्रेंस कौन से इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज करी? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। कौन सी सिटी है जिसने होस्ट करी है ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस? सूरत। अगला है कौन सी सिटी है होस्ट करने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन शिप रिसाइकलिंग एंड व्हीकल स्क्रैपिंग? गांधीनगर।
ठीक है, अब सिर्फ ऐसे नहीं नाम चलेगा कि बस गुजरात याद रख लिया, आपको एक स्टेप डीप जाना पड़ेगा। कौन सी सिटी है जो कि होस्ट है फॉर द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया? वो है उड़ीसा। कौन सी सिटी होस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर रबी रबी कैंपेन 2022-2023? न्यू दिल्ली। लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है ऑफ स्टेट कॉपरेशन मिनिस्टर्स इंडिया में, वेयर, कहाँ पर? वो भी न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपके अगली कैटेगरी पे, और अगली कैटेगरी के अंदर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड होंगे। अब एग्रीकल्चर में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस साल कितनी एस्टिमेशन रही, कितनी प्रोडक्शन रही, है ना, आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उनको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फोर्थ एडवांस्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से व्हाट इज द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स ड्यूरिंग 2021-2022? वो है 315.72 मिलियन टन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट डैमेज ऑफ क्रॉप एरिया ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन विच इंडियन स्टेट इन 2022-2023? तो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से हाईएस्ट डैमेज जो हुआ है ऑफ द क्रॉप एरिया, वो कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिला है? वो है असम के अंदर। पिंक बॉलवॉर्म जो है वो जो रिसेंटली न्यूज में रहा है, इन्फेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? कॉटन को। कारमैक्स विच वॉज सीन इन न्यूज, एक वराइटी है कौन सी क्रॉप की? राइस की। थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स के हिसाब से, एज पर दी थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, व्हाट इज दी एस्टिमेट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स? फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन पूछी गई है, वो कितनी है? 314.51 मिलियन टन्स। ओके, कादरी लिपाक्षी 1812 इज अ वराइटी कौन सी क्रॉप की? ग्राउंडनट की। टी मॉस्किटो बग्स आर सेट टू प्रीडोमिनेंटली अटैक कौन सी क्रॉप? कैश्यू। ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट दैट इज अनाउंस फॉर द ईयर 2022-2023, व्हाट इज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट अनाउंस फॉर द फॉर क्रॉप ईयर 2022-2023? दैट इज 328 मिलियन टन्स। विच यूनियन मिनिस्ट्री इशूड एन ऑर्डर टू एग्जेम्प्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ जीनोम एडिटेड क्रॉप्स फ्रॉम रूल्स दैट आर एप्लीकेबल ऑन GM क्रॉप्स? तो बताइए कौन सी मिनिस्ट्री ने इशू किया है इन ऑर्डर टू एग्जेम्प्ट दी सर्टेन क्रॉप्स ऑफ जीनोम एडिटेड क्रॉप्स? वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एज पर द फाइनल एस्टिमेट्स ऑफ 2020-2021 ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, वट वॉज द टोटल प्रोडक्शन इन 2020-2021? दैट इज, नंबर है याद में रख लो, 334.60 मेट्रिक टन्स। ये नंबर्स बेस्ड ऑन डिफरेंट फोर्थ एडवांस एस्टिमेट, सेकंड एडवांस एस्टिमेट, उसके हिसाब से हैं, तो याद में रखना, ये सब पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आपकी नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि एक मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। एज पर द कैबिनेट अप्रूवल, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज प्रोवाइडेड एज यूनिफॉर्म फिस्कल सपोर्ट टू सेटअप सेमीकंडक्टर फैब्स? बताइए कैबिनेट अप्रूवल के इस एज पर दी अप्रूवल कितना परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज प्रोवाइडेड एज अ फिस्कल सपोर्ट, किस लिए? सेमीकंडक्टर फैब सेटअप करने के लिए 50%। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अपडेट के हिसाब से 2022-2023 ग्रोथ प्रोजेक्शन इंडियन इकोनॉमी की क्या है? 7.0%। कौन सी कंट्री है दैट हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट? इंडिया। ठीक है, वट इज द नेम ऑफ थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट बिल्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17A विच वॉज रिसेंटली लॉन्च? ये जवाब नहीं मिलेगा, ये जवाब आप मुझे दोगे एज अ होमवर्क। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकेंड फेज ऑफ विच मेट्रो प्रोजेक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 1957 करोड़? वो है कोची। विच कंट्री इनोग्रेटेड मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड अंडर इंडियाज कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम? वो कंट्री है बांग्लादेश। प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया इनोग्रेटेड मैकेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट्स वर्थ 3800 करोड़ कौन सी सिटी में? मैंगलुरु में। ठीक है, आरबीआई इज सेट टू रन द पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड्स इन विच स्टेट? तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, दो होमवर्क हो गए हैं, याद में रखना इसी स्लाइड के अंदर। नाबार्ड ने अप्रूव किया है एन एलोकेशन ऑफ 230 करोड़
230 करोड़ का एलोकेशन अप्रूव किया है फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कौन सी स्टेट में? मिजोरम में। ठीक है, दो होमवर्क हो गए और उसके बाद बाकी ये चार, 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करके बताने हैं। यहाँ पर ये वीडियो यहीं एंड होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आ गई हैं सब चीज़ें, अच्छी लगी हैं, समझ आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और क्रैकर्स मत जलाया करो, ठीक है। जितनी अवेयरनेस हम फैलाएंगे उतना अच्छा, काफ़ी कम हुए हैं और कम करेंगे। तो इसी के साथ आई विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।